सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मूंग दाल का पुलाव। आप इसको मूंग दाल की खिचड़ी भी कह सकते हैं। ये एक वन पॉट मील है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी। इस पुलाव के अंदर आपको दाल और चावल दोनों की जो फायदे हैं वो मिल जाएंगे और आप इसको झटपट और बहुत आसानी से बना सकते हैं। और ये अगर आपकी तबीयत खराब है या फिर आपका कुछ हल्का फुल्का बनाने का दिल कर रहा है तो ये झटपट बन भी जाएगी। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने एक कप कच्ची बासमती व्हाइट बासमती राइस और एक कप ही मूंग की छिलकों वाली दाल, इन दोनों को धोकर और भिगो दिया था। आप चाहें तो दाल ज्यादा और चावल कम, और आप चाहें तो चावल ज्यादा और दाल कम, जितनी आप रेशियो चाहें उतनी ले सकते हैं। लेकिन मैंने दाल और चावल दोनों को बराबर लिया है। और क्योंकि ये छिलकों वाली दाल है तो आप इसको पहले अच्छे से धोकर फिर भिगोइएगा, अगर आप बाद में धोएंगे तो इसके सारे छिलके उतर जाएंगे। उसके अलावा मैंने एक प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। तीन मैंने ये साबुत हरी मिर्च ली है, ये कम तीखी वाली है, आप चाहें तो साबुत डाल दें, आप चाहें तो इनको काट कर डालें। एक टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, एक टीस्पून से थोड़ा ज्यादा मैंने नमक लिया है, नमक मैं बाद में चेक भी कर लूंगी। कुछ लोग पुलाव के अंदर टमाटर डालते हैं, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन मूंग दाल के पुलाव के अंदर वैसे टमाटर नहीं जाता है। और खड़े गरम मसालों में मैंने तीन हरी इलायची, एक काली इलायची, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, पांच लौंग, हाफ टी स्पून काली मिर्च और वन टी स्पून जीरा लिया है। मूंग दाल पुलाव जो हम बना रहे हैं वो एक झटपट रेसिपी है, तो हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। मैंने इसमें क्वार्टर कप ऑयल लिया है, अगर आप चाहें तो प्योर घी या नॉर्मल घी भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी अपने सभी खड़े गरम मसाले और इनको कुछ सेकंड के लिए मैं पकने दूंगी। अब डालेंगे हम इसमें प्याज और इस प्याज को हम लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, इससे ज्यादा हम डार्क नहीं करेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ सेकंड के लिए इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। और साथ ही में हम डाल देंगे ये हरी मिर्च, अगर आप चाहें तो इन्हें बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर इनके दो दो पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये अच्छी लगती है। 30 सेकंड के लिए हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। अब डालेंगे हम इसके अंदर अपनी दाल और चावल। एक मिनट के लिए हम दाल और चावल को इसमें भून लेते हैं ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से मिक्स हो जाएं, लेकिन हम हाथ हल्का रखेंगे वरना चावल टूट जाएंगे। एक मिनट हो गया है, अब डालेंगे हम इसमें पानी। तो ये मैंने इस मेजरिंग कप से नापकर दो कप ये लिए थे, एक कप चावल एक कप दाल। तो जब हम प्रेशर कुकर में कोई भी पुलाव या कोई भी चावल बनाते हैं तो डेढ़ गुना पानी लेते हैं, और जब खुले बर्तन में बनाते हैं बिना प्रेशर कुकर के तो दुगना पानी लेते हैं। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूं तो मैं तीन कप अब पानी इसमें डालूंगी। अब डालते हैं नमक, नमक आप स्टेज पर चेक कर लीजिएगा इसी पानी से। नमक थोड़ा तेज होना चाहिए ताकि ये पकने के बाद नॉर्मल फ्लेवर इसका आ जाए। प्रेशर कुकर में चावल बनाने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड के अंदर आप डायरेक्ट इस टाइम इसमें ढक्कन लगा दीजिए और तीन से चार सीटियां लेके और अपनी गैस को बंद कर दीजिए, और जब उसकी स्टीम निकल जाए तो फिर आप
इसको खोल लीजिए। दूसरे मेथड में आप इसको इसी तरह से पकने दीजिए और जब इसका 90% पानी ड्राई हो जाए तो आप इसका ढक्कन लगा के एक सीटी ले लीजिएगा। मैं इसी तरह से पका रही हूँ, मैं इसका पानी को ड्राई होने का इंतजार करूंगी। चावलों का काफी हमारा पानी ड्राई हो गया है, थोड़ा ही बचा है। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लेते हैं और फिर अपनी गैस को बंद कर देंगे। हमारा पुलाव तैयार हो गया है, इसकी स्टीम निकल गई है। ये देखिए, अब हम इसको बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं, चावल टूटने नहीं चाहिए। ये देखिए कितने खड़े खड़े, बिल्कुल खिले खिले सॉरी चावल बने हैं हमारे। ये देखिए, तो तैयार है हमारा मूंग दाल पुलाव या मूंग दाल की खिचड़ी। बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। एक बार इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।